Okay, first of all, good morning to all of you. By the grace of great Vaikunth and great God, let us start with today's lecture. Okay. See, today we will discuss the important questions of the unit 4. That is the of the unit 4. Okay. So the very first important question is derive the differential form of Maxwell equation. Okay. Derive the differential form of Maxwell equation. This question usually comes under the capacity of 8 marks. ठीक है, क्योंकि 8 marks की question में आता है. Derive the differential form of Maxwell equation. The second question is derive the differential form of Maxwell equation in free space. तो second जो second question है, first question का क्या है? Special case है. ठीक है. तो आपने first तक solve करना, उसके बाद आपने लगाना special case in which for free space there is no charge. No charge means rho is equal to zero. Volume charge S is equal to 0 and J is equal to 0. Okay. So rest of the things will be same. इसका हमने अलग से भी एक लेक्चर बना के डाला है कल, ठीक है? इसका फॉर फ्री स्पेस के लिए. द थर्ड क्वेश्चन इज व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिराइव द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन. तीसरा चौथा सेम है डिराइव द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन फ्रॉम डिफरेंशियल फॉर्म. तो डिफरेंशियल से होगा, तो जो पहली दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उस पे आप लगाओगे स्टोक थ्योरम, और जो अगली दो हैं उस पे क्या लगाओगे आप? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. ओके, तो वहां से आपका तीसरा और चौथा क्वेश्चन का आंसर वहां से निकल जाएगा. और इसका ऑलरेडी हम इसका लेक्चर अपलोड कर चुके हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस. तो ठीक है, तो इन चारों में से एक क्वेश्चन बनता है, बड़ों में से 8 मार्क्स में से, और फिफ्थ और सिक्स्थ में से एक क्वेश्चन बनता है. ठीक है, ड्राइव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस ये अलग क्वेश्चन है, ये भी हमने कर रखा है क्लास में. वो डिराइव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन फॉर आइसोट्रॉपिक डायलेक्ट्रिक मीडियम, तो ये भी हमने कर रखा है. ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है, फिफ्थ और सिक्स में से कोई एक क्वेश्चन बड़े 8 मार्क्स में आ सकता है. इसके बाद स्टेट एंड ग्रुप पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द कैपेसिटी ऑफ 4 और 5 मार्क्स. ओके, एस इज इक्वल टू इक्वल ऑफ एच. सबसे पहले आपने बताना है कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है. ठीक है, पॉइंटिंग थ्योरम हमने की थी ना, जिसमें हमने निकाला था बी स्क्वायर बाई टू वी नॉट, वो एक्सप्रेशन आपने ड्राइव कर रहे हैं. पॉइंटिंग थ्योरम लिख देना. ठीक है, स्टेट एंड प्रूव पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम. पॉइंटिंग थ्योरम एक्सप्रेस एज द नेगेटिव रेट ऑफ अ स्केलर पोटेंशियल. ओके, और इसके एक और क्वेश्चन बन सकता है, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओके, और वैसे भी आ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के 2 मार्क्स में आ सकता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. इसका तो बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ये 4 और 5 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि पूरा आर्टिकल है जिसमें हम दिखाते हैं कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैसे होती है. ठीक है, कैसा उसका एक्सप्रेशन है. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द यूनिट 4. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच.